कांग्रेस के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष स्वर्गीय उमेश चंद खन्ना की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि पार्टी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष उमेश चंद खन्ना कांग्रेस के सिपाही थे, जो कि शुरू से लेकर अपने जीवन के अंत तक कांग्रेस पार्टी के झंडे को ऊंचा करने का काम करते रहे। वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे तथा पार्टी को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्परता से आगे रहते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, निवेदन करूंगा जिला कमेटी के पास कार्यालय में आया। उस व्यक्ति ने खन्नालाज को लेकर के चाय से लेकर के सारी व्यवस्थाएं वो करते थे। अब कभी हम उनको जोर से बोलते हुए नहीं देखा, हमेशा प्यार से मोहब्बत से सबका स्नेह लिया और स्नेह लिया, इसी के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे भाई उमेश खन्ना जी ने जिस तरीके से जिया, जिस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पारिवारिक और राजनीतिक समन्वय स्थापित करके जिस तरीके से वो चलते थे, लगातार कांग्रेस की हित की बात करना, कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब बातों पे जो विचार करते थे, अपना होटल तमाम आयोजन कांग्रेस के आयोजन के लिए वो दे दिया करते थे। हमारे ऐसे भाई को हमारे बीच से जाना ये अत्यंत दुखद समाचार है और दुख हुआ हम लोगों को अपने भाई को चले जाने पर। लेकिन आज अभी बता रहे थे दिनेश भाई या तमाम लोगों ने कि इनके पिताजी ने भी इसी तरीके से कांग्रेस में बिना पद लिए अपने कामों को करते रहे और उमेश खन्ना जी भी बिना किसी लालच के कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत रहे और करीबन सफल भी रहे। आज उनके छोटे भाई हम लोगों के बीच में हैं, मैं और यहाँ बैठा हुआ समस्त कांग्रेस जन उनको विश्वास दिलाता है कि कभी भी जीवन के किसी मोड़ पर अगर हम कांग्रेसियों की जरूरत पड़े तो हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। और मैं हम लोगों की एक उम्मीद है कि आप भी हम लोगों के बीच आकर अपने पिताजी और अपने बड़े भाई के छोड़े हुए अधूरे कार्य को कांग्रेस के साथ मिलकर उनके सपनों को पूरा करें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार में उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तथा जहाँ भी हमारा वो भाई जो आज नहीं है वो जहाँ भी रहे ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुनः अपनी बातों को कहता हूँ कि जीवन के किसी मोड़ पर अगर किसी कांग्रेसियों को कोई जरूरत पड़े तो आप उमेश खन्ना जी के छोटे भाई और उनके परिवार का कोई भी सदस्य हम लोगों को याद कर सकता है, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। राकेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस। आज हम लोगों के बीच का एक साथी महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष उमेश खन्ना जी नहीं रहे, उनके उसमें हम लोग श्रद्धांजलि सभा यहाँ गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन में संपन्न कर रहे हैं। इसका आयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रहरी जी ने किया है। तमाम कांग्रेस के लोग इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं जो परिवार का सदस्य आज उनके बीच नहीं है, और हम विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस का हर एक सिपाही विश्वास दिलाता है कि उनके परिवार के समस्त सुख और दुख में हम तन से तन, कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे।